गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 2 अक्टूबर, डे है संडे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सभी ने बस अभी नाश्ता किया है। नाश्ते में आज बने हैं आलू के परांठे। आज है 2 अक्टूबर, आज है गांधी जयंती। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी गांधी जयंती। तो अभी इवनिंग का टाइम है, आफ्टरनून में आज मैं सो गई थी थोड़ी देर। इवनिंग में मैं बना रही हूँ चीज़ फ्राइड रोल। तो इसके लिए मैंने चीज़ को ग्रेट किया है, थोड़े से फ्रोजन कॉर्नस लिए हैं और साथ में डाला है हरा धनिया, एक हरी मिर्च काटी है और साथ में मैंने नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये चीज़ें ऐड की हैं। इसमें अगर आप चाहो तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो बस ये चीज़ें मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको ब्रेड में डाल के फ्राई किया है। तो ब्रेड में किस तरह से डाल के फ्राई किया है वो मैं बताती हूँ आपको। आज मैंने फ्राइड रोल बनाए थे, तो फ्राइड रोल जो हैं वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं, काफ़ी देर बाद बन रहे हैं। वैसे ये भी कभी कभार अच्छे लगते हैं। तो साथ में ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने किनारों से काट लिया था। बस इसको काटने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, पहले इनको बेल लिया था। इनको ना अच्छे से पतला कर लेना है, ब्रेड के स्लाइसिस को बस ऐसे बेल बेल के रखना है। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर जो मैंने पनीर का मसाला रेडी किया था बस वो डालकर इसको, मतलब कि एक पानी का घोल मैंने रेडी किया था मैदे का, 1 चम्मच मैदा डालकर उसमें पानी डालकर उसको मैंने मतलब कि उसका जो घोल है वो रेडी किया था, उसको ब्रेड के ऊपर लगाकर इसके साथ हमने मतलब कि पेस्ट करना है, जैसे वो पेस्टिंग का काम करेगा मैदा। तो बस मैदे का जो घोल रेडी किया है इसमें हम इसको डिप भी कर सकते हैं। इसमें डिप करके इसको स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल कर फिर इसको अच्छे से मतलब कि इसमें मिक्सचर डालकर इसको अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। जो मैदा है या जो पानी है वो इसको बाइंड करने का काम करता है। तो इस तरह से बस अब इसको फ्राई कर लेना है। तो इसके बाद मैंने कुछ रोल भी रेडी किए थे, रोल जो है ब्रेड जैसे ढीली करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ कर फिर उसके बाद उसमें मिक्सचर डालकर तो उसके रोल बना लेने हैं। तो इस तरह से मैंने वो भी रेडी किए थे, उसको भी फ्राई किया था। तो बस जिस मर्जी वे से आप बना सकते हो, टेस्टी बनते हैं, खाने में फ्राइड होते हैं पर खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। इसका ऑयल अच्छे से निकाल लेना है। तो ये चीज़ फ्राइड रोल खाने में बहुत टेस्टी बने थे, सभी को बहुत पसंद आए। तो उसके बाद फिर मैं गई थी अपनी मदर इन लॉ के घर। आज उधर जाना था क्योंकि मासी जी आई हुई हैं दिल्ली से, मेरे हस्बैंड की जो मासी जी हैं, मतलब मेरी मासी सास, वो आए हुए हैं। तो उनको मिलने के लिए जाना था आज। पहले उन्होंने इधर आना था, फिर उन्होंने बोला कि आप इधर आ जाओ, फिर हम इसलिए उधर गए थे। तो बस अभी ये इस तरह से चीज़ रोल मैंने फ्राई कर लिए थे। ये मैं आलू का मसाला डालकर भी बनाती होती हूँ, कई बार आलू का मसाला डालकर, कई बार चीज़ का मसाला डालकर, जैसे मूड बने बस वैसे बना लेते हैं। आज मन हुआ कि ऐसे बनाने हैं तो बस अभी इस तरह से बना रही हूँ। बस बहुत आसान है और झटपट से बन जाते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। आप टिफ़िन में भी भेज सकते हो बच्चों को, इजी रेसिपी है, कई बनाते भी होंगे ऐसे। Thank you.
जो स्टीयरशिप में थे उनको मैंने फिर बीच में काट लिया, और बस इस तरह से सभी ने खाए, कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय किए थे सभी ने। मुझे मार्केट भी जाना था, इसके बाद मैं गई थी मार्केट। ये लाइफ परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, छोटी सी लाइफ है, खुशी से जिए। अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है तो चुप रहना ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि हम उसको पलट के जवाब दें, क्योंकि इससे हमारे मन की शांति तो ख़त्म होती है, प्लस सुनने वाले को भी बुरा लगता है। अगर परमात्मा ने हमें कामयाबी दी है तो उसके साथ अटड़ भी आती है, घमंड भी आता है, तो इससे बचें। सक्सेस तो भी हम तभी एंजॉय कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए मैं लाई थी दवाई जो उसमें डालते हैं, और साथ में वहाँ तुलसी का पौधा दिख गया, मैं ले आई। मैंने कहा चलो ले जाते हैं, तो साथ में ये डिब्बियाँ लाई। मैं आई थी अभी मदर इन लॉ के घर, ये हैं मासी जी और ये हैं मेरे मदर इन लॉ। बस अभी बैठे थे, बातें चाते हुई, खाना पीना हुआ, उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो आज का दिन अच्छा गया। बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का साथ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्यारे लगते हैं ये रिश्ते जब हम मिल बैठ के इकट्ठे आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं, खुशी से मिलते हैं एक दूसरे से। तो इसी के साथ व्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।